हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? एकदम ठीक। तो आज जिस स्टोरी से हम वर्ड्स और फ्रेजेस के हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है काउंटिंग वाइसली, या समझदारी से गिनती करना। ये एक अकबर बीरबल की स्टोरी है और ये एक मॉरल स्टोरी है, ये आपको एक पाठ देती है। तो पहले हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे और उसका हम मतलब हिंदी में समझेंगे, उसके बाद हम उसके अंदर आने वाले शब्दों और मुखड़ों का अलग से हिंदी में मतलब समझेंगे। इससे आपको उसका प्रैक्टिकल यूज़ पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी को समझना। तो फ्रेंड्स, आज जिस स्टोरी का हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है काउंटिंग वाइसली, या समझदारी से गिनती करना। तो ये स्टोरी शुरुआत होती है एक मॉरल से या एक पार्ट से। तो ये स्टोरी हमें ये पार्ट देती है, हैविंग एन एक्सप्लेनेशन फॉर योर आंसर इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज हैविंग एन आंसर। इसका मतलब उत्तर की स्पष्टीकरण करने आना उत्तर जितना ही जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आइए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। अकबर वंस पुट अ क्वेश्चन टू हिज कोर्ट दैट लेफ्ट एवरीवन पजल्ड। एक बार अकबर ने अपने राज दरबार में एक सवाल रखा जो सबको उलझन में डाल दिया। एज दे ऑल ट्राइड टू फिगर आउट द आंसर, बीरबल वॉक्ड इन एंड आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज। जैसे वे उत्तर का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे, बीरबल अंदर आए और उन्होंने पूछा कि मामला क्या है। दे रिपीटेड द क्वेश्चन टू हिम, उन्होंने उससे सवाल दोहराया। How many crows are there in the city? शहर में कितने कौवे हैं? बीरबल immediately smiled, went up to Akbar and announced that the answer to his question was 21,523. बीरबल तुरंत मुस्कुराए, अकबर तक गए और घोषणा किया कि सवाल का जवाब है 21,523. When asked how he knew the answer, बीरबल replied, Ask your man to count the number of crows. जब उसे पूछा गया कि उसे यह उत्तर कैसे पता था, तब बीरबल ने जवाब दिया, अपने आदमियों से कौओं की गिनती करने को कहो। If there are more, then the crows relatives from outside the city are visiting them. अगर ज्यादा हुए तो कौओं को उनके शहर से बाहर के रिश्तेदार मिलने आए हैं। If there are fewer, then the crows are visiting their relatives outside the city. अगर कम हुए तो कौवे शहर से बाहर के रिश्तेदारों को मिलने गए हैं। Pleased with the answer, Akbar presented Birbal with a ruby and pearl chain. उत्तर से प्रसन्न होकर अकबर ने बीरबल को एक माणिक और मोतियों का माला उपहार दिया। तो इस कहानी से हमें ये पाठ मिलता है, हैविंग एन एक्सप्लेनेशन फॉर एन आंसर इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज हैविंग एन आंसर। उत्तर की स्पष्टीकरण करने आना उत्तर जितना ही जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था स्टोरी समझदारी से गिनती करना। अब आइए फ्रेंड्स, इस कहानी के अंदर आने वाले मुश्किल शब्द और मुखड़ों का, दैट इज वर्ड्स एंड फ्रेजेस का हिंदी में मतलब समझते हैं। पहला लाइन है काउंटिंग वाइजली। यहाँ काउंटिंग का मतलब है गिनती करना, वाइजली का मतलब समझदारी। हैविंग एन एक्सप्लेनेशन फॉर योर आंसर इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज हैविंग एन आंसर। एक्सप्लेनेशन का मतलब है स्पष्टीकरण, इम्पोर्टेंट का मतलब है जरूरी, आंसर का मतलब है जवाब। अकबर वंस पुट अ क्वेश्चन टू हिज कोर्ट दैट लेफ्ट एवरीवन पजल्ड। वंस का मतलब है एक बार, पुट का मतलब है रखना, क्वेश्चन का मतलब है सवाल, कोर्ट का मतलब है राज दरबार, लेफ्ट का मतलब है छोड़ना, पजल्ड का मतलब है उलझन। एज दे ऑल ट्राई टू figure out the answer, Birbal walked in and asked what the matter was. यहाँ as का मतलब है जैसे, tried का मूल रूप है try, try का मतलब है कोशिश करना, figure out ये एक मुखड़ा है, इसका मतलब है अंदाजा लगाना, walked in ये भी एक phrase या मुखड़ा है, इसका मतलब है अंदर आना, ask का मतलब है पूछना, matter यानी मामला। They repeated the question to him. Repeat का मतलब है दोहराना। How many crows are there in the city? How many? ये एक मुखड़ा है, इसका मतलब कितने, crows का मतलब कौवे और city का मतलब है शहर। Birbal immediately smiled, went up to Akbar and announced that the answer to his question was 21,523. यहाँ immediately का मतलब है तुरंत, smile का मतलब है मुस्कुराना, went up to ये एक मुखड़ा है, इसका मतलब है तक जाना, हम ऐसा बोलते हैं वहां तक जाना, announce का मतलब है घोषणा करना। When asked how he knew the answer, Birbal replied, Ask your men to count the number of crows. When का मतलब है जब, knew ये know का भूतकाल है और know का मतलब होता है जानना, reply का मतलब है जवाब देना। If there are more, then the crows relatives from outside the city are visiting them. More का मतलब है ज्यादा, और यहाँ हम इस शब्द को हमने जो पहले कहा था कि 21,000 उसके साथ कंपेयर करने को इस्तेमाल कर रहे हैं। Then का मतलब है तो, relatives का मतलब है रिश्तेदार, outside का मतलब है बाहर, visit का मतलब है मिलने आना, them का मतलब है उन्हें। If there are fewer, then the crows are visiting their relatives outside the city. यहाँ few का मतलब है कम, और जो fewer शब्द का इस्तेमाल किया है वो हमने जो पहले बताया था 21,000 उसके साथ तुलना की गई है, उससे कम बताने के लिए यहाँ पे पीछे er लगा दिया है, fewer। तो ऐसा शब्द हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं किसी चीज के साथ कंपेयर या तुलना करने के लिए, उससे ज्यादा या उससे कम। तो इसका मूल रूप होता है few,
few का मतलब होता है कम. Pleased with the answer, Akbar presented Birbal with a ruby and pearl chain. Pleased का मतलब है प्रसन्न होना, present का मतलब है उपहार, ruby का मतलब है माणिक और pearl का मतलब है मोती. तो फ्रेंड्स ये तो था स्टोरी समझदारी से गिनती करना. अब हम थोड़ा एक्सरसाइज देख लेते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितने वर्ड्स इंग्लिश के याद रहे हैं. तो अब मैं जो क्वेश्चंस पूछूंगा वो इस स्टोरी को बेस करके पूछूंगा. तो आइए शुरू करते हैं. अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है गिनती तो मैं इंग्लिश में कौन सा शब्द इस्तेमाल करूंगा, तो वो है काउंट. अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है समझदारी तो मैं इंग्लिश में कौन सा शब्द इस्तेमाल करूंगा, तो वो है वाइजली. अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है जरूरी तो मैं इंग्लिश में कौन सा शब्द इस्तेमाल करूंगा, तो वो है इम्पॉर्टेंट. अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है रखना तो मैं कौन सा वर्ड यूज़ करूँगा, तो वो है पुट. अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है सवाल तो मैं कौन सा शब्द इस्तेमाल करूँगा, तो वो है क्वेश्चन. अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है राज दरबार तो मैं कौन सा शब्द इस्तेमाल करूँगा, तो वो है कोर्ट. अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है उलझन तो मैं कौन सा शब्द इस्तेमाल करूँगा, तो वो है पजल्ड. अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है कोशिश करना तो मैं कौन सा शब्द इस्तेमाल करूंगा, तो वो है ट्राई. अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है अंदाजा लगाना तो मैं इंग्लिश में कौन सा शब्द इस्तेमाल करूंगा, तो वो है फिगर आउट. अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है मामला तो मैं कौन सा शब्द का इस्तेमाल करूंगा, तो वो है मैटर. अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है दोहराना तो मैं कौन सा शब्द इस्तेमाल करूंगा, तो वो है रिपीट. अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है मुस्कुराना तो मैं कौन सा शब्द इस्तेमाल करूंगा, तो वो है स्माइल. अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है घोषणा करना तो कौन सा शब्द इस्तेमाल करूंगा, तो वो है अनाउंस. अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है जब तो मैं कौन सा शब्द का इस्तेमाल करूंगा, तो वो है व्हेन. अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है मिलने आना तो मैं कौन सा शब्द इस्तेमाल करूंगा, तो वो है विजिट. अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है उपहार तो मैं कौन से वर्ड का इस्तेमाल करूंगा, तो वो है प्रेजेंट. तो फ्रेंड्स ये था स्टोरी काउंटिंग वाइजली या समझदारी से गिनती करना. अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी मदद मिला हो तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए. और अगर आप मेरे वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशंस चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग.